सिस्टम आपण बहुत खुशी लागबो एवं आपण ईश्वर प्राप्ति करि परिबे दया करी बसियांदु हाँ फॉर्म आपण निश्चित भाव भरंतु आपण फॉर्म दिया हिची जो फॉर्म भाई माने देई छंती निश्चित भाव भरंतु जदि आपण पढ़ी न पारछंती सा पाखरे बसी दिया भाई मानकर हेल्प लियंतु पेन नियंतु फॉर्म भरंतु फॉर्म भरिया बहुत जरूरी या परे आपणकर फोटो उठा जीव एवं तापर आपणको लॉकेट ही मिलिवो फॉर्म निश्चित भाव भरंतु केयाकु भूलंतु नाही रुहानी दाम सिर्फ एक बार रुहानी दाम केवल एक थर पीबे रुहानी दाम एक बार केवल पीवार नियम द्वितीय बार कहीं पीबे ना कि कौन ग्लास कौन बोतल द्वारा आप घर को लेकिन जावाप चेस्टा करूँ ना छोट पा रुहाणी जाम पांच वर्ष कम जो मानू रुआन जाम पियांतु ना हाँ जो लोक मैंने फरेन रुहान जाम पीवाई कौन विदेश रुहान जाम पीवाई से आगे आसिक एफआईआर बसंतु और यही आपको रुहान जाम दि हाँ जो मैंने बस फॉर्म एपर्त भरी ना आपन को पुनर्बार आम सूचना देउछु आपन निकट अनुरोध करछु विनती करछु आपन निश्चित भाव में फॉर्म भरी नियंतु भाई बहन मान को पुनर्बार मु सूचना दौची जो मैंने छिड़ाई पूजा गुरुजी आसीगले तेणु समस्ते बहुत जोर नारा लगातु बहुत जोर धन धन सदगुरु हाँ जी तो अब बैठ जाए माता बहनों बैठ जाओ बस पांच सात मिनट का काम है तो ये आपको कसम दिलाते हैं सबसे पहले उस ओम हरि अल्लाह राम ईश्वर हरि की जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है दूसरा इस धरती पे जो पहले गुरु मुर्शिद कामिल आए उनके पवित्र नाम की तीसरा जिन्होंने सर्वधर्म संगम बनाया सच्चे साई श्याम मस्ताना जी महाराज के लिए और चौथा हमारे गुरु सच्चे दाता रहबर मालिक शास्त्राम जी दाता रहबर के नाम की और पांचवा सास संगत भगवान का रूप होती है हर धर्म में लिखा है आपका प्यार मोहब्बत दृढ़ विश्वास बढ़ता जाए आपके प्यार मोहब्बत दृढ़ विश्वास के नाम की तो सेवादार आ जाएं जो राम का नाम जपेंगे आ जाएं भाई ईश्वर का नाम जपेंगे ओम हरि अल्लाह राम का नाम भगवान का नाम लेंगे इसमें हाथ डाल लें ऐसे ऐसे इसको हिलाएं हाँ हर ऐसे आगे से आगे हाँ ऐसे हाँ हाँ और ऐसे इसको हिलाते रहें ऐसे और सुमरण करते रहना है राम का नाम जपते रहें भगवान का नाम बोलना नहीं जाप करते रहें ऐसे लगातार तो आपकी सेवा में आ रहे हैं जी जी तो बैठ जाएं माता बहनों बैठ जाएं गुरुजी स्टेज पर आसुचंती जयकर समस्त बसियांतु नीरव सहित समस्त बसियांतु जो भाई बहन मान एबे भी छिड़ा होती दयाकर बसियांतु गुरुजी स्टेज को ऊपर आसुचंती दयाकर समस्त बसियांतु जी बैठ जाएं बेटा बैठ जाएं माता बहनों बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाएं तो ये रूहानी जाम आपको अभी पिलाया जाएगा उससे पहले उस भगवान का धन्यवाद करना है और धन्यवाद करने का तरीका धन धन यानी तू धन्य है सदगुरु ओम हरि अल्लाह राम गॉड खुदा ईश्वर तेरा ही आसरा तेरा ही सहारा है आपने सुना यहां सेवादार धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा यानी ये सर्वधर्म सांझा भगवान का धन्यवाद करना है तो सबने मिलकर ये धन्यवाद करना नारे के रूप में हाँ जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।
हाँ जी रूहानी जाम शुरू करें भाई बहन दोनों तरफ। तेजी से रूहानी जाम पीने वाले, आपने एक बार पीना है और श्रद्धा से जैसे पीने लोगों, भावना श्रद्धा भगवान में ध्यान रख के फिर पियो और हाथों हाथ लोगों के रोग ठीक होते देखें। हम कोई जादूगर नहीं है ना हम गारंटी लेते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। अगर श्रद्धा से पियोगे भावना से पियोगे तो भगवान कोई कमी नहीं छोड़ देगी। तो आप रूहानी जाम पीजिए बैठे बैठे, साथ संगत ने खुशी भी मनानी है। एक भजन आपको और सुना देते हैं, उड़ीसा की साथ संगत सेवादार अगर चाहेंगे तो वो भजन बोल देते हैं जो आप चाहो। कोई है उड़ीसा के सेवादारों का ख्याल? जाम जी ये कह रहे हैं जाम। तो साथ संगत ने ख्याल रखना बैठे बैठे खुशी मनानी, क्योंकि नई साथ संगत है। जो आज रूहानी जाम पीने आए जरा हाथ खड़ा करें, ऐसे जो पीने वाले हैं। हाँ कप जिनके पास नहीं आए कप ले लें आप। हाँ बहनों हाथ नीचे कर लें, नीचे कर लें, नीचे कर लें हाथ, नीचे कर लें। जब भी रूहानी जाम आपके पास आए आप भावना से श्रद्धा से ऐसे पूरा सोच के मालिक में ध्यान धर के फिर उसको पिए। तो बाकी आप फॉलो करें नियमों को जितने कर सको पूरी लाइफ में। जैसे पेड़ लगाने साल में 12 लगा लो, एकदम लगा लो, धीरे धीरे लगा लो, ऐसे पूरी जिंदगी में थोड़े थोड़े जैसा भी आप कर पाओ भले काम करना, भगवान आपका भला 100% करेंगे ही करेंगे। आशीर्वाद आप भावना से विचारों से। बहुत सेवादार आए हैं वहां अलग अलग इलाकों से, हरियाणा से बहुत आए, राजस्थान से, यूपी, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली और बाकी और स्टेटों से आए, विदेशों से आए या सेवा करने, जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं। ज्यादातर तो हिंदू धर्म के लोग हैं। 5 करोड़ सात संगत में या 4.5 करोड़ में लगभग 65% हिंदू धर्म के लोग हैं, बाकी मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं। तो आप रूहानी जाम पीजिए। हाँ ये जो आपने देखा है ग्रीनेस की वर्दी पहने हुए हैं, ये सेवा आप बस आंखें बंद करें भावना से मालिक को याद करके। जो भी आपकी भावना, जो भी आपके अंदर कमी या आप दूर करना चाहते परेशानी, उसका भी सोच लें कि भगवान मेरी दूर कर। सिमर करके भगवान को याद करके पी जाएं। और ये देखा गया है कि लाखों लोगों को फायदा हुआ, एक दो को नहीं। ये हमने जो रूहानी जाम पिया ये पहले हमने पीते हैं, किसी को कोई दो राय ना रहे, इसी में से लेके गए थे आपके सामने, उसी को हमने पिया। तो ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बना देता है काम। ये है रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो एक भजन साथ 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 संगत ने बैठे बैठे खुशी मनाए, ये आप कृपा करें, क्योंकि साथ संगत अभी रूहानी जाम पी रही है, नई साथ संगत है। तो आप खड़े होंगे कहीं किसी का गिर जाएगा, तो बैठे बैठे खुशी मना लें, हाथ से आप जैसे मना सकते हैं। तो इधर के लोगों ने बोला है कि गुरुजी जाम वाला भजन बोल दो, तो जाम तू जाम पी ले, ये वाला कह रहे हैं जाम पी ले तू यहां जाम जी। हाँ जी जाम तू जाम पी ले, जाम पी ले तू जहां जा, राम का नाम ले ले, पहुंचावेगा निज धाम। जाम तू जाम पी ले, जाम पी ले तू जहां जाम, जाम तू जाम पी ले, जाम पी ले तू जहां जाम, राम का नाम ले 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 ले। राम का नाम ले,
जावेगा निज धाम। जाम तू जाम तू जाम तू जाम मिले तू जा जा परिवार को पिलाओ पी के प्याला कम तुम बुलाओ। तुम पियो परिवार को पिलाओ पी के प्याला कम तुम बुलाओ। चढ़ियो एक फिर ना ले चढ़ियो एक बार फिर ना ले उतर न कायो ना। जाम तू जाम तू जाम तू जाम पीले जाम पीले नया जाम। राम का अल्लाह का वाहेगुरु का गॉड का नाम का नाम ले ले पहुंचावेगा निज धाम। जाम तू जाम तू जाम पीले जाम पीले अड़क जाम। अमल कमावे पांच चोर का नेड़े आवे। जाम पीवे है और अमल कमावे पांच चोर का नेड़े आवे। पीने से और दम रवे सवेरो होवे कदी ना शाम। जाम तू जाम तू जाम तू जाम पीले जाम पीले रे यहां जाम। राम का अल्लाह का हरि का नाम ले 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 राम का नाम ले ले पहुंचावेगा निज धाम। जहां में जो मस्त बनावे जम से तुवानी मस्ती आवे दोनों जहां में जो मस्त बनावे। मालिक के प्यारे 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 मालिक के प्यारे प्यारे दर्श करावे पहुंचावे सनिध धाम। जाम तू जाम तू जाम तू जाम पीले जाम पीले रे यहाँ जाम। जाम तू जम 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 जम
की भाई जम पिया उस जलती पाई दया मेहर भगवान की भाई जम पिया उस जलती पाई अंदर बाहर शांति व मस्ती अंदर बाहर शांति व मस्ती मिलती है बिन दाम जाम तू जाम पी ले जाम पी ले तू चले जाम जाम तू जाम पी ले तू यहाँ जा जाएंगे जो भी जाम सटक जाएंगे बंदन शहरों के कट जाएंगे जो भी जाम को पी जाएंगे अदम नूरो नूर जावे चमके दमके तेरा जाम जाम तू जाम तू जाम तू जाम भी ले जाम भी ले रे यहाँ जाम जाम का नाम ले ले पहुंचावेगा निज धाम राम तू नाम दी करी कृपा भारी नाम जाम से दुनिया तारी राम अल्लाह करी कृपा भारी जम नाम से दुनिया तारी विदास गुरु पे पलियारी जिसने दिया जम काम जाम तू जाम तू जाम तू जाम तू जाम पील है जाम पील रे यहाँ का जाम तू जम 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 जाम पी ले रे यहाँ जा बैठ जाएं बेटा बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं जी बेटा आशीर्वाद जी जी बैठ जाइए बेटा बैठ जाएं और बैठ जाएं बेटा एक बार बैठें सभी लोग बैठ जाएं यहाँ के सेवादार नौजवान खूब खुशी मना रहे थे जी बेटा सेवादार हाँ बैठ जाएं बेटा बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं रूहानी जाम तेजी और उसके बाद लंगर भोजन यहाँ की साध संगत ने बनाया है जो लेना चाहेंगे जरूर लें जिसकी इच्छा हो यहाँ की साध संगत ने आपके लिए लंगर भोजन भी बनाया है और ये रूहानी जाम पी लिया आपने अगर फार्म भर दिया है तो ये लॉकेट भी आपको दिया जाएगा और इसका मतलब ये हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है वो दो नहीं है वो एक है उसे सुप्रीम पावर ओम कहो अल्लाह कहो राम कहो ईश्वर भगवान प्रभु परमात्मा सारे एक ही ताकत के नाम हैं तो उसके लिए आपको ये रूहानी जाम और कोई सेवा करना चाहे आपने देखा ये नौजवान सेवा कर रहे हैं और आपको बताएं वैसे तो भगवान की कृपा है दार्जिलिंग में आग लगी थी और वहां आर्मी के नौजवान भी आए थे वहां 100-200 के करीब सिलेंडर थे
और 30 सिलेंडर आग में गिर गए, दो ब्लास्ट हो गए, 136 दुकानें वहां जल गई थी। हम वहां सत्संग करने गए हुए थे, पीछे की बात है। तो सिलेंडर फूल गए और आर्मी के जवान कहने लगे हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, और ये नौजवान वहां पहुंच गए, अंदर से वो फूले हुए सिलेंडर उठा के ले आए, 30 सिलेंडर निकाल दिए, और वहां पूरा एसपी साहबान, डीसी साहबान, जितने भी नेता लोग जो भी थे, सारा दार्जिलिंग कह रहा था गुरुजी, क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ है और सारे का सारा जल जाता है अगर ये लोग हिम्मत ना करते। तो ये भगवान की कृपा है, ये सेवादार आप भी सेवा करनी चाहें ऐसी तो उसमें आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई किसी को आम इनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, ये अपने घरों से आते हैं सीधे सेवा करने। ऐसे बहनें भी हैं इधर सेवा कर रही हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं इनमें जो ता उम्र शादी नहीं करेंगे, उनमें इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेक्चरर हैं, उनको कहा जाता है सत्य ब्रह्मचारी, उनका नाम है, आप देख रहे हैं ये साज बजा रहे हैं, इनमें हैं आसपास सेवा कर रही हैं लड़कियां यहां खड़ी हैं। तो इनमें बहुत पढ़े लिखे, ज्यादातर पढ़े लिखे बच्चे हैं, पूरी उम्र इंसानियत की सेवा के लिए मैरिज नहीं करवाएंगे, पूरी उम्र शादी नहीं करवाते, और अपने भोजन का आप खुद करके खाते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। तो 6 बहनें और 4 उड़ीसा से हैं, शास्त्र राम जी की नेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाली, वो खड़ी हो जाए और नारा लगा के बैठ जाए, यानी ये वर्दी वो भी लेना चाहते हैं, वर्दी आश्रम की तरफ से फ्री दी जाती है अगर कोई सेवा में आता है तो। और यूथ वेलफेयर फेडरेशन नौजवान, 7 नौजवान हैं जो प्रसाद लेना चाहते हैं। ये नौजवान आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, ये ओडिशा से हैं, और प्रसाद लेना आप नाम लिखा लेना, आशीर्वाद बेटा नारा लगा के बैठ जाओ। हाँ ये नौजवान शास्त्र जी यूथ वेलफेयर फेडरेशन, ये भी बहुत सेवा करते हैं, और घर जाने वाले 25 मेंबर यूथ वीरांगने यूथ वेलफेयर फेडरेशन के भाई सेवादर बहन भाई, जितनी सेवा की उसके लिए वचन हो चुके हैं, प्रसाद ले जाइए और सारे परिवारों को आशीर्वाद कहिएगा। कल कोष रह गए थे उड़ीसा के बनने वाले, तो उनमें है किशोर चंद्रा जी, हाँ प्रसाद दीजिएगा, आगे आ जाए माइक के पास। पुरी से हैं मानस रंजन शाहू पुरी से, संपत इंसा गाम शानवा, प्रकाश रावत गाम सिरोई, बंटू अग्रवाल सोनपुरा जिला उड़ीसा जी। तो ये 5 कल 11 लोग थे कि 10 थे, 11, और ये 5 और आगे हैं आज, और एक बहन है सूर्यकांता वाइफ ऑफ भीमसेन जी पुरी से। तो सत्संग जी आपके हुक्म से ही ये मंजूर होना है, तो ये जिम्मेवार सेवादार कभी भी यहां जरूरत पड़ेगी किसी भी जिम्मेवारी की इनकी ड्यूटी रहेगी तो ये बताएंगे, वहां से सेवादार आ जाएंगे, यहां से सेवादार आएंगे उड़ीसा से भी, तो वो सेवा कार्य संपन्न किया जाएगा। तो आप सब सहमत हैं जी इससे, तो आप जोर से नारा बोले माइक के पास, आप भी माइक के पास, और सत्संग भी नारा बोल दें, धन धन सतगुरु, जी बेटा आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। तो इनके नाम रजिस्टर कर लीजिए, और ये जुम्मेवार हैं इस उड़ीसा के जी, ये कल वाले हैं। तो आपने रूहानी जाम नहीं पिया तो पी लें, हो गया क्या, इधर बहनों की तरफ कोई रह रहा हो तो हाथ खड़ा करके हिलाएं, रूहानी जाम से रह रहा हो कोई, इधर 2-4 बहने हैं, पीछे देखो बेटा आपके जो रह गए हों, और भाइयों की तरफ कोई रह गया हो तो लगभग सभी ने पी लिया, तो आप नारा लगा के बैठ जाएं बेटा जोर सेवादार जी। बेटा बेटा ऐसा है अभी अभी यहां ब्लड कैंप लग रहा है, अभी अभी यहां ब्लड कैंप लगाना है, तो कोई नहीं आप बोलते यहीं पे हैं, हम आपको सुनाते रहेंगे बेटा, आपके लिए तो सुनाया है। तो अभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, खूनदान किया जा रहा है सेवादारों की तरफ से, यहां जरूरत है जितनी, क्योंकि पूरी आर्मी को खूनदान दिया जाता है आश्रम की तरफ से, भारत की जो वायुसेना थल सेना जल सेना सबको, पुलिस महकमे में अगर किसी को ऐसा होता है तो ऑफिसर एरिया में किसी को, तो और पत्रकार समाज को, थैलीसीमिया के मरीजों को, आर्थिक तौर पे कमजोर सबको फ्री में पूरे वर्ल्ड में खूनदान किया जाता है, और इनको नाम दिया गया ट्रू ब्लड पंप, कहीं भी जरूरत पड़ती पहुंच जाते हैं, यहां मर्जी जरूरत पड़े, सेना को जरूरत पड़ती कारगिल में तो वहां पहुंच गए थे सेवादार उनको खूनदान करने के लिए। तो आज भी खूनदान किया जा रहा है, यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जितनी जरूरत है यहाँ की वो खूनदान दिया जा रहा है। जो सेवादार देना चाहते हैं जल्दी से आ जाएं, साइड में साइड से होते हुए पीछे पहुंच जाएं, जो सेवादार खूनदान करना चाहते हैं, बहुत सारे सेवादार हैं जिन्होंने नाम लिखवा दिए हैं, तो बहुत भाग रहे हैं। यहाँ ये होता है आश्रम में 1 दिन में 1.5 लाख
ब्लड डोनेट करने वाला था, लेकिन टीमें ले सकी पूरी इंडिया की 47,000 कुछ, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। लेकिन देने वाले थे 1.5 लाख खून दान करने वाले। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है। देखो वो सेवादार भाग के जा रहे हैं कि मैं रह ना जाऊं, कईयों को पता नहीं था कि यहाँ खून दान कैंप लग रहा है। तो भाई उतना ही दिया जाएगा जितनी उनकी डिमांड है, जितना वो रख सकते हैं। और गुर्दे दान दिए जाते हैं यहाँ, लगभग 50,000 नौजवानों ने फार्म भरे जीते जी गुर्दा दान के, जिसमें से एक गुर्दा दान हो चुका है। कानूनी तौर पे सारी लिखा पढ़ी करके फिर गुर्दा दिया जाता है। आंखें दान होती है मरने के बाद। लोग कहते हैं अगर आंखें दे देंगे तो अगले जन्म में आएंगी नहीं। अरे आंखें तो चिता में पटाखा बोल जाता, अगले जन्म तक तो जाती नहीं आंखें। इसलिए मरने के बाद अगर कोई आंखें दे देता है तो अंधे को दिखने लग जाता है, और वो सारी जिंदगी आपके बच्चों को आशीर्वाद देता रहता है, और भगवान उस आशीर्वाद को जरूर मंजूर करता है। वहां आंखें दान दुनिया सबसे ज्यादा होती हैं। तो इस तरह ये कार्य ये जिम्मेवार बनाए गए हैं। उड़ीसा में भी शुरुआत करेंगे कि ये भले कार्य हो, मानवता भलाई के काम हो, ताकि सारे समाज का भला हो। तो सबको बहुत आशीर्वाद, प्रसाद सबने लेना है। अब ब्लड डोनेशन कैंप शुरू करते हैं, कुछ जिम्मेवार मिलने वाले हैं, हम मिलते हैं। आप सबको आशीर्वाद, प्रसाद ले लीजिए। धन धन सदगुरु तेरे आसरा समस्त एठार बसी रहंतु। आउ एबे हमर रक्तदान कैंप शुरू हबो, जो माने दवा पई इच्छुक सेमाने धीरे धीरे उठिकी पछो जो सेड है सेठी जाई की रक्तदान देबे। आउ जो माने एठी रहीकी श्रद्धार सहित लंगर भोजन करिया पई प्रसाद नवा पई चाहुचंती एठारे बसी रहंतु। जो भाई माने दूर दूर आछंती आउ प्रसाद नवा पई चाहुचंती एठारे लंगर भोजन दिया जिवो, एठारे ही निरवता सहित बसी रहंतु। आउ जो माने रक्त दवा पई चाहुचंती सेमाने धीरे धीरे उठिकी पछरे थिवा जो टेंट लागि तंबू लागि सेठी पळे जांतु। आउ जो माने एपर्यंत फॉर्म भरी नाहंती, आपनकु फॉर्म मिलला नाही, तेणु सेथिपई व्यस्त न होई कि आपन जदि रुआन जाम पी नेले सूचना है। जो गरीब हैं और बीमार हैं, पीछे एक हमारा हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल, एक नन्ना फरिश्ता है, उधर इसका इलाज किया जाएगा। इसके द्वारा आरो जो माने बीमार और बहुत गरीब पत्थर आमर गोटे छोट हॉस्पिटल गाड़ी गाड़ी से हॉस्पिटल गोटे गाड़ी रे ताना होची नन्ना फरिश्ता सेठी जाकी मिलंतु। सेठी आपन को चिकित्सा दिया जिवो, चिकित्सा रो सुजोग दिया जिवो फ्री, किछि मागणा रे सेठी आपन चिकित्सा सुजोग दिया जिवो। पुनर्बार मु कहूची जो माने गरीब एवं कोनिस प्रकार रोगरे पीड़ित आपण पछकु जांतु। सेठी आमर गोटे हॉस्पिटल अछि, एक गाड़ी रे से हॉस्पिटल, सेठी डाक्टर अछंती, बहुत क्वालिफाइड डाक्टर अछंती, सेमाने आपणकर रोगर विषय रे विवरणी सुनिबे, आपणकु सेठी चिकित्सा बताइबे। हाँ आ ये जो हॉस्पिटल मु कहूछि जे गाड़ी रे एटा प्रचलित, आपण भावन्ते छोट हॉस्पिटल, पिताजी को कहिबा अनुसार ये दुनिया रो सबुटु छोट हॉस्पिटल, किंतु समस्त प्रकार फैसिलिटी एथिरे अछि। से हॉस्पिटल भीतर मध्ये ऑपरेशन कराउछि।